उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाया हूँ, वो है बर्गर आलू टिक्की बर्गर बनाएंगे आज हम। बहुत ही इजी रेसिपी है बर्गर बनाने के लिए। सबसे पहले हम आलू की टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं, फिर उन्हें फ्राई करके हम बर्गर की फिलिंग करेंगे। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्रेडिएंट्स में मैंने सबसे पहले 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, उन्हें मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून साल्ट लिया है, 1/2 कप मैंने मटर लिए हैं ये भी बॉयल कर लिए हैं, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, उसके बाद तकरीबन 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। आप टेस्ट के मुताबिक जितना आप स्पाइसी करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं ब्रीक चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने हरा धनिया लिया है फ्रेश। चलें अब हम इन्हें मैरिनेट कर लेते हैं अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप एक बाउल में आलू ले लें। आलू ऐड करने के बाद इसमें आप मटर ऐड कर दें। मटर ऐड करने के बाद इसमें आप नमक ऐड कर दें। उसके बाद आप इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें, सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दें, हरी मिर्चें ऐड कर दें, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दें, रेड चिली पाउडर ऐड कर दें, एंड में आप इसमें हरा धनिया ऐड कर दें। सब चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह मैश करें। सारे स्पाइसेस आपके अच्छी तरह मिक्स होने चाहिए। देखें हमारे आलू अच्छी तरह मैरिनेट हो चुके हैं। चलें अब हम इसके शामी तैयार कर लेते हैं और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। देखें आलू के मैंने शामी बना लिए हैं। उसके बाद मैंने एक अंडा लिया है, उसे अच्छी तरह बीट कर लिया है। शामी को हम अंडे का कोट करके फ्राई करेंगे, फिर हम बर्गर तैयार करेंगे। चलें अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस पर इसे शामी को अंडे का कोट करके अब हम इसे फ्राई करेंगे। लो ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इन्हें फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर आप इन्हें फ्राई कीजिएगा। देखिए शामी हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। शामी हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। चलें अब हम बर्गर सॉस तैयार कर लगे, फिर हम बर्गर बनाना शुरू करेंगे। बर्गर सॉस बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बाउल में 1/2 कप मायनीज ले लें। मायनीज लेने के बाद इसमें आप तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून केचप ऐड कर दें, टमाटो केचप। चिल्ली अगर आप यूज़ करना चाहें तो चिल्ली यूज़ कर लें। इसके बाद आप इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दें। ये ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, बर्गर सॉस हमारा अच्छी तरह तैयार है। चले अब हम बर्गर बनाना शुरू करते हैं। बर्गर की फिलिंग के लिए मैंने टमाटर लिए हैं, उसके बाद मैंने प्याज लिए हैं, हमारे जो कबाब हैं शामी वो फ्राई किए हुए हैं, और बर्गर सॉस है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। सबसे पहले आप इस पर बर्गर सॉस लगा लें दोनों स्लाइसिस पे। बर्गर सॉस लगाने के बाद आप इस पर शामी रख दें। शामी रखने के बाद आप इसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस रख दें। आप इसमें चुकंबर भी यूज़ कर सकते हैं, गोभी भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर रखने के बाद आप इसके ऊपर अनियन के स्लाइस रख दें, और इसके ऊपर फिर आप इन्हें दूसरे स्लाइसेस के ऊपर रखकर अच्छी तरह बंद कर दें। ये हमारा आलू टिक्की बर्गर पूरी तरह से तैयार है। चले अब हम इसे सर्व करते हैं।